आरा के रहने वाले आर्मी से रिटायर्ड हवलदार चंदन पांडे आरा सहित बिहार के अन्य जिलों से प्रशिक्षण प्राप्त करने आने वाले युवा युवतियों को सेना और पुलिस भर्ती के लिए निशुल्क ट्रेनिंग देकर लोगों के लिए मिसाल पेश कर रहे हैं। मेरा रिजल्ट आया है फायरमैन में। जब से रिजल्ट आया तब से मैं सर चंदन सर के पास आई दौड़ने के लिए। दोनों टाइम दौड़ाते थे और हाई जंप, मतलब हाई जंप गोला फेंक सब अपने अपने गार्डिंग में कराते थे, ये नहीं किसी और के गार्डिंग में। और जैसे कराते थे इनका रनिंग का जो तरीका है उनका बिल्कुल ही अलग है। लड़की का एकदम फ्री है, अगर हॉस्टल में आप हैं तो हॉस्टल में बस 4,000 फी लग रहा था, क्योंकि मेरे साथ जो लड़की थी हम देखे हैं, और इनका जो ट्रेनिंग है फ्री है। लड़की का यहाँ पर पूरा ध्यान दिया जाता है, ये नहीं कि कोई, मतलब आप लोग के साथ कितनी लड़कियों का रिजल्ट आया है अभी? 11 लड़की का हो गया है जो यहाँ तैयारी कर, हाँ 12 लड़की का, 12 हाँ 14 में 12 लड़की का हुआ। किस तरह की तैयारी यहाँ कराई जाती है? तैयारी बहुत ही अच्छा है, इसका स्तर काफ़ी हाई लेवल का है। जैसे काफ़ी बच्चे हैं कि इधर उधर एकेडमी में भटक जाते हैं, तो उनको उस तरह से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है जैसा यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे शरीर को पूरी तरह से निचोड़ा जाता है पहले, उसके बाद आपको बिल्डअप किया जाता है कि आपको किस तरह से मेरिट तक पहुँचना है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि उस तरह से बिल्डअप किया जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ का एकेडमी चुना। निःशुल्क है, हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, सर के ही हॉस्टल में, खाना पीना बहुत बढ़िया है और निःशुल्क ट्रेनिंग मिलता है हम लोग को, और ट्रेनिंग का स्तर बहुत ही अच्छा है। और मैं इस धरती पे आया तो देखा कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, कोई इंदौर जा रहा है, कोई पटना जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, लेकिन वहाँ रिजल्ट लेके नहीं आ रहे हैं। तो मैं आर्मी से रिटायर NSG का ट्रेनिंग, पैरा का ट्रेनिंग करके आया, तो सोचा कि अपनी धरती के लिए कुछ करके जाऊँ, कि अगर इस भोजपुर की धरती ने मुझे या बिहार की धरती ने मुझे अगर यहाँ पर जन्म लिया हूँ तो इस माटी के लिए कुछ करके जाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को क्यों ना इतना बढ़िया ट्रेनिंग दूं जो मैं सीख के आया हूं। मैं जाके बैंक वगैरह में भी कहीं भी जॉब कर सकता था, लेकिन मैं सोचा कि चलो मुझे फिजिकल अच्छा आता है और हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाके सीख रहे हैं और पैसे काफ़ी मात्रा में बर्बाद कर रहे हैं। बिहार के सारे बच्चों से आह्वान करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप बिहार छोड़ के मत जाइए, आप आइए, हम रिजल्ट देंगे और ये मैं निःशुल्क कराता हूँ, कोई आपसे ट्रेनिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो कितने? मैं 26 जनवरी 2021 से इसी जैन कॉलेज के प्रांगण से स्टार्ट किया था, और उस समय मुजफ्फरपुर में मेरे 18 बच्चे सिलेक्शन हुए, एग्ज़ाम नहीं हो पाया, अग्निवीर का जो योजना आया इसके कारण से मेरे बच्चे वहां पे एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए। उसके बाद बिहार दरोगा का आया, तो बिहार दरोगा में मेरे पास 38 बच्चे थे, उसमें से 37 बच्चे क्वालिफाई किए थे बिहार दरोगा में। उसके बाद SSCGD का आया, SSCGD में मात्र 2 बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए, 52 में 50 के 50 बच्चे जाके क्वालीफाई किए थे। उसके बाद आया आर्मी का, आर्मी में अभी जो हाल फिलहाल में दानापुर वैकेंसी चल रहा है, इसमें मेरे 18 बच्चे जाके वहाँ से रनिंग क्लियर करके आए हैं। उसके बाद बिहार पुलिस का जो 8415 हुआ, उसमें मेरे 85 बच्चे सिलेक्शन हुए। अभी फायरमैन का हाल फिलहाल में 2380 पदों में हुआ, इसमें मेरे 51 बच्चे, 39 लड़के और 12 लड़कियाँ सिलेक्शन हुए।